अब छोड़कर मत जाइएगा। हाँ, फोन आया था क्या कोई? हेलो, अश्विनी जी, कोई फोन आया था क्या बीच में? ठीक है, आराम कर। कल की तासिका में हमने फीचर के कुछ भेदों को देखा था, जिसमें समाचार फीचर, उसके उपरांत राजनीतिक फीचर, उसके उपरांत अर्थ, उद्योग, वित्त, वाणिज्य संबंधी फीचर, उसके उपरांत धर्म, धार्मिक एवं दर्शन संबंधी फीचर, इसकी बात की थी। आज हम इसके उपरांत के इतिहास तत्व, पुरातत्व, इतिहास एवं पुरातत्व संबंधित फीचर, उसके उपरांत मानवीय रुचि विषयक फीचर, उसके उपरांत व्यक्तित्व संबंधी फीचर, विज्ञान विषयक फीचर, खेलकूद विषयक फीचर, पर्वोत्सवी फीचर, पर्यटन विषयक फीचर, चित्रात्मक फीचर, रेडियो फीचर और टेलीविजन फीचर, इन बातों पर चर्चा करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि आज ये पूरा हो जाए और कल की तासिका में हम फीचर लिखने की प्रक्रिया को एक बार फिर से, नियमावली को ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। आज की तासिका में हम आरंभ करते हैं। पांचवा प्रकार फीचर का, इतिहास एवं पुरातत्व संबंधी फीचर। इतिहास एवं पुरातत्व संबंधी फीचर, देखिए, मनुष्य के जीवन में उसका सबसे बड़ा गुणधर्म है वो जानने की इच्छा रखता है, और उसे ही जिज्ञासु कहा जाता है, मराठी में जिज्ञासु। और मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी होने के नाते उसकी जिज्ञासा इतिहास में भी बहुत ज्यादा होती है। क्या हुआ होगा, हम कहाँ से आए, हमारे पूर्वज कौन थे, कैसे थे। आप बने रहिए, कोई फोन आ रहा है, मैं थोड़ी देर में ज्वाइन हो जाऊंगा। आरंभ करते हैं। देखिए, हम फीचर के पांचवे प्रकार की ओर जा रहे हैं, इतिहास एवं पुरातत्व संबंधी फीचर। मनुष्य स्वभाव से ही एक जिज्ञासु प्राणी है, और यही जिज्ञासा उसे अतीत की ऐतिहासिक घटनाओं को जानने के लिए प्रेरित करती हैं। ऐतिहासिक फीचर मानव की जिज्ञासा को तृप्त करते हैं, जहां एक ओर इतिहास एवं पुरातत्व से संबंधित फीचर हमारे देश के समृद्ध अतीत से नई पीढ़ी को रूबरू करते हैं, वहीं प्राचीन इतिहास को नई दृष्टि से देखने का अवसर भी प्रदान करते हैं, उपलब्ध कराते हैं। फीचर लेखक अपने ऐतिहासिक फीचर में इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों, घटनाओं, स्मारकों का मानवीय अभिरुचि के अनुकूल विवरणात्मक आलेखन संक्षिप्त आकार में प्रस्तुत करता है। नियतकालिकता, अद्वितीयता, प्राचीन इतिहास पर नूतन दृष्टि, लोकप्रिय विश्वासों का प्रतिपादन अथवा खंडन, ऐतिहासिक व्यक्तियों के संबंध में परिबोध वृद्धि, इस प्रकार की अभिरुचि के आधारभूत कारण है। ध्यान रहे, इतिहास के प्रति हमें एक जानने की इच्छा होती है कि क्या हुआ होगा, और बहुत बार ऐसा होता है कि जो जो भी किसी जैसे भारत जैसे देश में, बड़े देश में, जो कोई भी आक्रांता आता है और सिंहासन पर बैठ जाता है, वो अपने अनुकूल इतिहास रच लेता है। अब देखिए, इस देश पर इतने आक्रमण हुए। पहला आक्रमण फारस की रानी का हुआ था, दूसरा आक्रमण सिकंदर या अलेक्जेंडर द ग्रेट का आक्रमण हुआ था, और उसके बाद न जाने कितने आक्रमण हुए, और जो जो आक्रांता यहाँ आए उन्होंने अपने जैसा इतिहास लिख करके रखा है। मूल इतिहास लोगों को पता नहीं है, वो जानने की इच्छा होनी चाहिए। उदाहरण के रूप में अगर हम भारत की पहली महिला शासिका का नाम लेते हैं, तो कोई नूरजहां कहता है, कोई चांद बीबी कहता है, कोई रजिया सुल्ताना कहता है, लेकिन उससे भी पहले पद्मिनी नाम की एक रानी थी, वो
पद्मावत वाली नहीं, पद्मिनी नामक रानी थी, इस किसको पता है। और उसके बाद रजिया सुल्तान के समकालीन आंध्र प्रदेश में रुद्रम्मा देवी भी इस प्रकार की रानी थी जिसने शासन किया था। तो इस प्रकार के बहुत सारे तथ्य सत्य हमारे सामने आ सकते हैं, और बहुत सारी बातें हैं प्रतिपादन, जो विश्वास हैं, अंधविश्वास हैं, उन अंधविश्वासों का खंडन भी इतिहास के इस प्रकार के अनुशीलन के द्वारा हो सकता है, और एक नई दृष्टि से हम इतिहास को देख सकते हैं, ऐसा इस ऐतिहासिक फीचर लेखन में कहा जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इतिहास एवं पुरातत्व से संबंधित विषय पर फीचर लिखना सहज कार्य नहीं है। इसके लिए लेखक के पास अनुसंधानात्मक दृष्टि होनी चाहिए, सूक्ष्म अध्ययन की वृत्ति होनी अनिवार्य है। ऐसे फीचर में, ऐतिहासिक और पुरातत्व संबंधी फीचर में, लेखक को पूरी सतर्कता के साथ प्रामाणिक तथ्यों का बारीकी से विश्लेषण करना होता है, क्योंकि यह फीचर जनधारणाओं के निर्माण करने में सहायक होते हैं। दूसरी बात यह है कि लेखक को सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि फीचर में, ऐतिहासिक फीचर में, अत्यधिक तथ्यों के विश्लेषण से फीचर कहीं बोझिल न हो जाए, जो कि इतिहास बोझिल हो जाता है। अत्यधिक सनावलियां, या यूं कहेंगे कि तारीख, तारीखों का ज्यादा प्रयोग, ये करना भी बोझिल हो जाता है, तथ्य ज्यादा हो जाते हैं। उसकी जगह भावात्मक प्रयोग हमें करना चाहिए। और दूसरी ओर फीचर को रोचक बनाने की धुन में तथ्य और प्रमाणों की उपेक्षा भी हो जाती है, ये नहीं होना चाहिए। मतलब एक बैलेंस होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, कि भी बैलेंस होना चाहिए कि ज्यादा तथ्य भी न हो और ज्यादा भावुकता भी न हो, तो वो सच्चा ऐतिहासिक या पुरातत्व शास्त्रीय फीचर कहा जा सकता है। इसलिए तथ्यान्वेषण एवं प्रस्तुति शैली में अनिवार्य संतुलन का ध्यान फीचर लेखक को हमेशा रखना पड़ता है, तभी उसका फीचर ऐतिहासिक कसौटी पर खरा उतरता है। ध्यान दें, अब मैं थोड़ा सा उस्मानाबाद जिले के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा, अगर ऐतिहासिक दृष्टि से आप इसका अध्ययन करना चाहते हैं तो। आप जानते हैं उस्मानाबाद में ही धाराशिव लेणी नाम का एक भाग है, इसमें जैन और बौद्ध लेणियां हैं। पहले जैन थी, बौद्ध थी, बाद में उन्हें जैन लेणी बना दिया गया। अब ये किसने बनाया, कौन राजा था उस समय का, तेर का राजा, उस समय तेर राजधानी हुआ करता था दक्षिण की, तो उसका राजा कौन था, उसका नाम तगर था। तो उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वहां के जैन ग्रंथों में जो है उसका उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इस लेणी के मिल जाते हैं, इस इन गुफाओं के मिल जाते हैं। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि उस्मानाबाद जिला ये नाम कैसे पड़ा, धाराशिव पहले था या उसके पहले बौद्ध काल में कोई और नाम था, इस पर भी बहुत सारी बहस की जा सकती है। और इसमें से जो तथ्य निकल कर सामने आता है, उन तथ्यों को लेकर के भी आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। अभी भी मेरे ख्याल से शोलापुर की जो जिलाध्यक्ष थी, जिलाध्यक्ष थे, उनकी पत्नी बहुत बड़ी इतिहासकार हैं, उन्होंने तेर में आकर के उत्खनन किया था, और बहुत सारी चीजें वहां मिल रही, नई नई मूर्तियां मिल रही हैं। वो सारी मूर्तियां, कोई वैष्णव मूर्ति है, कोई शैव मूर्ति है, कोई बौद्ध मूर्ति है, कोई जैन मूर्ति है, वगैरह वगैरह। और इससे एक बहुत बड़ा तथ्य हमारे सामने आता है कि उसका कार्बन डेटिंग परीक्षण करने से कि ये मूर्ति किस काल की रही होगी अंदाजन। तो उस प्रकार से इतिहास पर एक नई दृष्टि हम डाल सकते हैं कि इतना ही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि तेर एक बहुत वैश्विक वैश्विक बाजार था, और उसका व्यापार व्यवहार जापान तक, और उधर अफगान से भी ज्यादा ईरान इराक तक पहुंचता था। तो इस प्रकार से उस्मानाबाद जिला भी अत्यंत समृद्ध है ऐतिहासिक दृष्टि से। इस प्रकार से आपको हमारे भी जिले की इस प्रकार के आप ऐतिहासिक फीचर लिख सकते हैं। पुरातत्व शास्त्री जिसमें उत्खनन करके, एक्सकेवेशन करके बहुत कुछ प्राप्त हमें हो सकता है, लेकिन ये बहुत संवेदनशीलता का काम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे तथ्य ऐसे भी आ सकते हैं जो विचलित कर देने वाले हों। जैसे कि बाबरी मस्जिद का जब पतन हुआ और उत्खनन हुआ, तब ये सिद्ध हुआ कि इसके नीचे मंदिर ही था, मस्जिद नहीं थी। तो इस प्रकार से थोड़ा सा समाज को भटकाने वाली या समाज को नई दृष्टि देने वाली बहुत सी बातें सामने आ सकती हैं, अगर प्रामाणिक प्रयास किया जाए तो। और कमाल की बात है, कमाल की बात यह है कि जब बाबरी मस्जिद का पतन हुआ, तो जो उत्खनन करने की
टीम का लीडर था, वो मुसलमान व्यक्ति था, और उसने ये कह दिया कि ये मंदिर ही है, मस्जिद नहीं। तो ये सारी बातें हमारे ध्यान में आनी चाहिए। मेरा ख्याल सिर्फ इतना है कि इतिहास हमारे जिज्ञासा का जिस प्रकार से विषय है, कौतूहल का जिस प्रकार से विषय है, उसी प्रकार से इतिहास हमें कुछ नई सीख भी देता है। इसलिए इस प्रकार के ऐतिहासिक और पुरातत्वीय फीचर लेखन करने चाहिए। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे कि हम जिस स्पर्धा परीक्षा का ग्रुप हमने बनाया है तृतीय वर्ष का, उसका मुख्य चित्र छत्रपति शिवाजी महाराज का हमें रखा हुआ है। और जो इस समय जो एक आई है शिव प्रबोधिनी नाम की वो संस्था है, जिसके द्वारा जिसके कुछ प्रश्न पत्रिकाएं हम ले रहे हैं, लेकिन वो थर्ड ईयर के लिए है, आपके लिए नहीं। अब चलते हैं छठे प्रकार की ओर, मानवीय रुचि विषयक फीचर। मनुष्य एक दूसरे के रंग रूप के में ही नहीं, बल्कि भाव भावनाओं, रुचि अरुचियों के आधार पर भी भिन्न होता है। मनुष्य की मानसिक रचना के विविध पहलू रुचि अरुचि को ध्यान में रख करके ही फीचर लिखे जाते हैं। मानवीय रुचि विषयक फीचर को परिभाषित करते हुए बहुत बड़े पत्रकार विलियम रिवर्स कहते हैं, रिवर्स कहते हैं, मानवीय रुचि के फीचर वे हैं जिनसे पाठक भावनात्मक रूप से जुड़ा हो और पाठक को उत्तेजित या हतोत्साहित करे, क्रोधित या प्रसन्न करे, तथा उसमें सहानुभूति या अरुचि उत्पन्न कर सके। ध्यान रखिए, मतलब मनुष्य को किसी एक चीज के बारे में अगर वो अच्छा वाचक है, फीचर का वाचक है, फीचर का श्रोता है, फीचर का दर्शक है, तो कुछ ऐसी बातें समाज में होती है जिसके लिए उसे घृणा होनी ही चाहिए, और कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको बहुत उठाना चाहिए। दुर्दैव यह है कि ये उल्टा हो रहा है कि घृणित चीजों से प्यार ज्यादा हो रहा है और जो अच्छी चीजें हैं उनसे नफरत की जा रही है, और उसका परिणाम ये हो रहा है कि समाज आज एक मूल्यहीनता के दायरे की ओर चल दौर की ओर चल जा रहा है। और ऐसे जो फीचर होते हैं जो मनुष्य को करुणामय बना दे, दयार्द्र बना दे, मानवता की सेवा करने के लिए उद्युक्त करें, वो बहुत महत्वपूर्ण है होते हैं। ऐसे भाव प्रधान होते हैं जो कारुणिक, मार्मिक और अनुभूतिपूर्ण हो सकते हैं। और ध्यान रखिए, मैं ये स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि समाज जैसे शरीर में रोग हो जाते हैं मनुष्य के, तो मनुष्य को ऑपरेशन करना पड़ता है, वैसे ही कुछ अच्छे पत्रकार समाज का भी ऑपरेशन करते रहते हैं, जो गलत कामों को लोगों के सामने उभार करके दिखाते हैं, उनसे नफरत करने लगाते हैं और समाप्त करने लगाते हैं। मानवीय रुचि विषयक फीचर का क्षेत्र भी अत्यंत व्यापक है। इस प्रकार के फीचर में लेखक मनुष्य के अरुचि रुचि का ध्यान रखते हुए फीचर के लिए किसी हृदय स्पर्शी विषय का चयन करता है, जिसमें प्रेम, दैन्य, साहस, अपराध, स्वास्थ्य आदि से संबंधित फीचर विशेष लोकप्रिय होते हैं। इस प्रकार के फीचर में लेखक भय, घृणा, क्रोध, प्रेम, सहानुभूति तथा हास्य आदि की स्थिति उत्पन्न करके पाठकों के संवेगों को सहज रूप से जागृत कर सकता है। और ध्यान रखिए, मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है और वह एक संवेदनशील समाज में रहता है, तो इस समाज में जो कुछ अच्छा घट रहा है उसका समर्थन करना मनुष्य का आद्य कर्तव्य है, और जो कुछ गलत हो रहा है उसका विरोध करना भी आद्य कर्तव्य है। और ये सब कुछ इस प्रकार के फीचर के माध्यम से हम सीख सकते हैं। इस संदर्भ में बहुत प्रसिद्ध हिंदी पत्रकार और लेखक कवि पंडित रघुवर सहाय बताते हैं कि महिलाओं, बच्चों और समाज के उपेक्षित वर्ग की पीड़ा को आत्मसात करके मानवीय रुचि विषयक फीचर लेखन जैसी महारत हासिल की वास्तव में अद्वितीय होती है। मतलब ऐसे कुछ हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी जैसे हैं, रघुवीर सहाय जैसे हैं, बहुत से अच्छे लेखक हैं हिंदी के, जिन्होंने एक सामान्य मनुष्य को, जो सामान्य महिलाएं, बच्चे और समाज के जो उपेक्षित वर्ग हैं, उन उपेक्षित या वंचित वर्गों को न्याय दिलाने की कोशिश इन फीचरों के माध्यम से की गई है। अब ये कहा जा सकता है कि मानवीय रुचि विषयक फीचर में लेखक अस्वाभाविक, विलक्षण और असाधारण विषय वस्तु का अन्वेषण करके ही फीचर लिखता है, जो मनुष्य को आंदोलित कर सके, संवेदनशील बना सके और आगे जाकर के समाज के परिवर्तन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सके। आज बहुत सारे हैं, उदाहरण के रूप में गत वर्ष एक अभिनेता ने आत्महत्या कर ली, आप जानते हैं उसका नाम।
सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन क्या सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से उसके सारे सारी समस्याएं समाप्त हुई हैं क्या? या बॉलीवुड में जो गलतियां हो रही हैं, जो गलत लोग आ रहे हैं, जो गर्द आ रही है, या एक प्रकार से व्यसनाधीनता आ रही है, वो कम होगी क्या? इस पर एक अच्छा फीचर लिखा जा सकता है। अब ये देखिए, ऐसे बहुत सी चीजें हैं, दहेज प्रथा है, रिश्वत है, यानी जितने भी सामाजिक समस्याएं हैं जो आम मनुष्य से संबंधित है, उसमें उसकी संवेदनशीलता को जागृत रखने वाली हैं, उनका भी यहाँ हम प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार के फीचर लेखन में। अगला है, सातवां क्रमांक है व्यक्तित्व संबंधी फीचर। इसे पार्श्व फीचर भी कहा जा सकता है, कैरिकेचर भी कहा जा सकता है। इस कोटि के फीचर में किसी व्यक्ति विशेष का चित्रांकन रेखा चित्र की भांति प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे हमने रेखा चित्र देखा था, देखिए कौन सा, नीलकंठ मोर, उस प्रकार से व्यक्तित्व का भी, एक प्राणी का नहीं व्यक्ति का भी चित्रण किया जा सकता है। इसमें लेखक वह किसी व्यक्ति किस विशेष असाधारण प्रतिभा और कार्यों की वजह से समाज में पहचाना जाता है और प्रतिष्ठित हुआ है, इन सभी बातों पर प्रकाश डालता है। उसके व्यक्तित्व के जितने भी पहलू हैं, उन सभी पहलुओं पर वह प्रकाश डालता है। पत्र पत्रिकाओं के आरंभिक काल में हमारे यहाँ फीचर के नायक महापुरुष हुआ करते थे, जो विशेष रूप से लोकप्रिय होते थे, जैसे कि महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह वगैरह। ऐसे फीचर पाठक वर्ग को प्रेरणा देने के लिए लिखे जाते थे। आजकल की पत्र पत्रिकाओं में इतिहास के प्रसिद्ध महान लोगों की जगह समाज, बदले हुए समाज में प्रभावशाली व्यक्तित्व को केंद्र में रख करके प्रभाव आदि के मद्देनजर फीचर लिखने का चलन पड़ा है। जैसे अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, अजय देवगन है, अक्षय कुमार है, या फिर सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, महेंद्र सिंह धोनी है। ऐसे भी लोगों के फीचर बनाए जा सकते हैं, उन पर फीचर फिल्में भी बनाई जा सकती हैं। जैसे मिलियंस, ड्रीम्स ऑफ मिलियंस नाम से सचिन तेंदुलकर की फीचर फिल्म आई थी, या धोनी पर भी फिल्म आई थी, MS धोनी नाम की। तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों के व्यक्तित्व को लेकर के चर्चा हो। इसी प्रकार से सामान्य, इतना नहीं, महान नहीं, साधारण चरित्रों को लेकर के भी और उपेक्षित चरित्रों को लेकर के भी फीचर लिखे जा रहे हैं। इस प्रकार का फीचर लेखन करने करते समय लेखक को यह सदैव याद रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति के संदर्भ में वह फीचर लिख रहा है, उसके जीवन के अनुच्छेद प्रसंगों को वह कथात्मक रूप प्रदान करे। जैसे महेंद्र सिंह धोनी जी की पहली प्रेमिका जो एक्सीडेंट में मर गई, उस फिल्म में 10-15 मिनट दिए गए हैं। ये बहुत जरूरी होता है कि जो लोगों को पता नहीं होता, उसके बारे में जानने का कौतूहल लोगों को बहुत होता है, और वो प्रस्तुत किया जाता है इस प्रकार की फीचर फिल्मों से, इस प्रकार के फीचर से, तथा उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों एवं उनकी सेवाओं को प्रति संकेत करें। अब जितने बड़े बड़े लोग हैं, देखिए मैं कहता हूं कि इस दुनिया में हमेशा 90% लोग अच्छे होते हैं, लेकिन 10% लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा बैठ जाते हैं। एक कवि ने लिखा था, देखिए सच और झूठ का फर्क लिखा था उन्होंने, जब तक सच जूते पहनता है तब तक झूठ सारे शहर का चक्कर लगाता है। इसलिए लोकप्रियता कुछ गलत लोगों को जरूर मिल रही है, लेकिन मूलतः 90% लोग अभी भी अच्छे हैं, समाज अभी भी अच्छा है, समाज अभी भी बेहतर है। लेकिन प्रभावशाली लोगों के कारण कुछ नए युवा गलत लोगों का अनुसरण करके खुद भी गलत बन जाते हैं। आज भी देखिए, जैसे हिंदी में भगत सिंह पर फीचर फिल्म बनी है, सावरकर पर फीचर फिल्म बनी है, डॉक्टर अम्बेडकर पर फीचर फिल्म बनी है, बहुत सारे महत्वपूर्ण, सरदार वल्लभ भाई पटेल पर भी फिल्म बनी है, यशवंतराव चौहान पर बनी है, बाला साहेब ठाकरे जी पर बनी है, अच्छे लोगों पर बनी है, वैसे बुरे पर बनी है, दाऊद पर भी बनी है। आए दिन देखिए हमारे यहाँ 2-3 साल बाद डी कंपनी को लेकर के एक कोई ना कोई फिल्म नहीं बनती है। इसका मतलब क्या है कि जो अच्छे लोग हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए सामान्य लोगों ने, और बुरों का नाश करना चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। ठीक है, कोई भी बात हो, लेकिन व्यक्ति व्यक्तित्व होता है, उसको अच्छा या बुरा मान करके हम नहीं चलते। हो सकता है उस व्यक्तित्व के पहलू के कुछ गलत पहलू हों और कुछ अच्छे पहलू हों, तो हमें अच्छे की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक बार हमारे डॉक्टर जर्रा काजी जी हमारे गुरु थे, वे मुस्लिम थे और
और उनके घर में राम की प्रतिमा थी। मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने ये कहा कि राम के जीवन में सिर्फ दो गलतियां उन्होंने की, एक सीता का त्याग और एक शंभू की हत्या। उसको छोड़ दिया जाए तो राम के जीवन में 98% घटनाएं अच्छी है ना, उनकी ओर ध्यान दो, सकारात्मक दृष्टिकोण से काम करो। तो विधायक दृष्टिकोण, विघातक की जगह विधायक दृष्टि से काम करेंगे तो अच्छे अच्छे व्यक्तित्वों पर अच्छी अच्छी पुस्तकें, अच्छे अच्छे फीचर आपको देखने को मिलेंगे। अगला है विषय विज्ञान विषयक फीचर, ये आठवां प्रकार है फीचर का। आप तो बीएससी कर रहे हैं, आपको इस बात का पता है कि विज्ञान से संबंधित समस्त जिज्ञासाओं की पूर्ति करने का कार्य विज्ञान विषयक फीचर करता है, करते हैं। इस श्रेणी के फीचर में नए नए आविष्कारों और खोजों की बारीकियों तथा तकनीकी विवरणों पर बखूबी प्रकाश डाला जाता है, बखूबी प्रकाश डाला जाता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखिए सामान्य पाठक के लिए विज्ञान जैसे तकनीकी एवं जटिल विषयों को तथा उनकी उसकी बारीकियों को समझना बहुत कठिन होता है, लेकिन कुशल लेखक जहां तक हो सके इस विषय को सहज सुबोध और सुष्ठु शैली में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, जिससे फीचर अधिक लोकप्रिय होते हैं। और ध्यान रखिए विज्ञान में देखिए जो कुछ समस्याएं आ रही हैं आज, उदाहरण के रूप में अशिक्षा बहुत बड़ी समस्या है हमारी, आलस्य बहुत बड़ी समस्या है हमारी, अन्याय बहुत बड़ी समस्या है हमारी, और सबसे ज्यादा बड़ी समस्या अभाव है। और उस अभाव को नए नए आविष्कार भरते हैं, और नए नए आविष्कारों का जो शोध होता है उस शोध के माध्यम से नई नई डिस्कवरी के सामने से वैज्ञानिक प्रगति का आलेख हम तक पहुंचता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सर्वसामान्य लोगों के ध्यान में नहीं आती, तो विज्ञान विषयक फीचर लिखने वाला लेखक जो है, फीचर लेखक जो है, वो उसको सामान्य भाषा में लोगों के सामने रखने का प्रयास करता है। इस संदर्भ में ब्रजभूषण सिंह,